हमारा केस तो इनफर्टिलिटी से नहीं जुड़ा है, हमारा केस तो भगवान ने ऐसे पलट दिया और हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पे आ चुके थे कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। पता नहीं कैसे भगवान ने हमें, मतलब हम और भी जगह गए लेकिन हमें वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे क्लास फेलो डॉक्टर अनूप गुप्ता, तो मैंने फिर चुप, हमारे मन में बहुत बार बार आता था कि हमारा एज से मतलब मैच नहीं करता। और फिर ऊपर वाले ने तो हमें दिया था बहुत प्यारा, मेरा बेटा 23 साल नहीं रहा, तो अब मतलब उस डिप्रेशन का मैं कोई शब्दों से कुछ मैं कह नहीं सकती। लेकिन फिर डॉक्टर साहब का नाम सुना और ये लगा कि आपके क्लास फेलो हैं, तो एक फेथ भी बहुत अंदर से आया कि हमारे कोई बहुत अपने हैं। पता नहीं, मतलब अभी इतने सालों बाद मैं इनका नाम इनके मुंह से फिर सुन रही हूँ, हम यहाँ आए और सब कुछ अच्छा था। मतलब हमें एक से दो बार किसी चीज के लिए कभी अपने आप कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, जैसे लगा कि हम अपने एक घर में ही आ गए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। डॉक्टर, आपकी मदर का नाम उनका भी बहुत ही स्वीट बिहेवियर और हर चीज, डॉक्टर साहब का भी इस पूरे मतलब विंग का, हॉस्पिटल का, और ये हमारा बेबी बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल हमारे बड़े बेटे जैसा ही है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। लोग यूपी से आते हैं, वहाँ पर हमसे कई ने भी पूछा कोई बात हुई, क्योंकि हमारा केस तो मैंने उनको मतलब यंग एज के थे, 30+ 35+, तो मैंने यही कहा कि देखो लेट करने से कोई फायदा नहीं है जब हमारे पास ये तरीका है कि हम आप और आप अपना एज आपका बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉब्लम कंसीव करने में होगी, तो आप जाएं। और IVF एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड बहुत ही कम समय में पा सकते हैं। तो मेरा अपना वो है कि इसके लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। आई वॉज वेरी मच सर्टिफाइड और मतलब एक तो अनूप मेरा बहुत अच्छा, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, साथ ही रहे हैं, और यहाँ पे आके लगा कि मैं अब मतलब सब बहुत अच्छा हुआ, मतलब सिवाय फ्रेंड के एक हॉस्पिटल का जो होना चाहिए प्रोफेशनली भी बहुत ही सब कुछ बेस्ट एंड बेटर, कोई टेंशन नहीं किसी तरीके का, कोई तो मतलब हम अपनी तरफ से तो यही कहेंगे कि वी आर फुली सेटिस्फाइड।